भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जसपुर के पत्थल गांव में दुर्गा विसर्जन जुलूस में शामिल हुए श्रद्धालुओं को कुचले जाने के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री का पुतला दहन किया। वही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर के मानव मंदिर से महावीर चौक और जय स्तंभ चौक होते हुए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली और जय स्तंभ चौक में पुतला दहन किया। राजनांदगांव से विपुल कन्हैया की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार की राज में जो पथल गांव में घटना हुई है जसपुर में, वो मन को विचलित कर देने वाली है। सिर्फ प्रदेश के नहीं, पूरे देश के लिए वह विचलित कर देने वाली दुर्घटना है। गांजा तस्करों ने श्रद्धालुओं पे जो गाड़ियां रौंदी है, वह सिर्फ उनकी अपराधी लोग की वह हरकत कहा जाए ये नहीं, सीधा सीधा सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है। क्योंकि बड़ी मीडिया हाउसेस ने, समाचार पत्रों ने लगातार इस खबर को वहाँ के रूट सहित छापा था कि किस रूट से लगातार गांजे की तस्करी हो रही है। लगातार पुलिस विभाग को चेताया था, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की वहाँ पे जिम्मेदार चाहे एसपी हो चाहे जो भी अधिकारी हो, उन्होंने जिम्मेदार कार्रवाई नहीं की। उसी वजह से उनके हौसले बुलंद हुए और आज वो अपने इस धंधे को अंजाम देने के लिए श्रद्धालु पे गाड़ी रौंद है। उसका विरोध आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है और हमारी मांग है कि सबसे पहले तो तत्काल वहाँ के एसपी को निलंबित किया जाए, क्योंकि एसपी ही मुखिया होता है। एसपी के जानकारी में पूरे मामले थे, रूट थे, लगातार समाचार पत्रों में, बड़े मीडिया हाउसेज में वहाँ की खबरें थी। तो हमारी मांग है कि एसपी को निलंबित किया जाए और साथ ही उनके मुआवजा, जो घायल है, जो मृत है, उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। एसपी को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो घायल व्यक्ति उनको 10-10 लाख और बढ़ाया जाए। नहीं, उस पर भी अगर जहाँ पे जो गलत हो रहा है उस पर सरकार को काम। दो लोग मरे हैं उसके ऊपर, एक और भी आप ही के नेता के उसमें भी हुआ था मेल में, उस पर कभी आवाज उठा देंगे आप? नहीं, उस पर भी आवाज उठाएंगे बिल्कुल। जहाँ पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़े रहेगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में जो घटना हुई थी उसके विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन करने का प्रोग्राम बनाया था और उनके द्वारा पुतला दहन करने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस मौके पर थी, व्यवस्था में थी और उनका जो पुतला है उसको बुझा दिया गया।